फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग रिज्जू पे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जनता बाज़ार क्यों फेमस है। जनता बाज़ार छपरा ज़िले के अंदर में आता है और वहाँ का जो मंदिर है वो बहुत फेमस है, जिसे उसका पुराना नाम ढोल स्थान है, जो काफ़ी फेमस है। तो मैं यहाँ का आपको ब्लॉग बना के दिखा रहा हूँ। आगे आप कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं पहुंच गया हूँ जनता बाज़ार पे। आप देख सकते हैं जनता बाज़ार का मंदिर कैसा है। सभी जो है खाने वाले सभी आ करते हैं इस मंदिर में प्रवेश करके भोजन करें और हंसते हंसते जाए। आप देख सकते हैं फ्रेंड, आसपास भी बहुत सारी दुकानें हैं। आपको दिख रही होगी, ये सारी दुकानें दिख रही होगी, और ये देखिए छठी खाने वाले बच्चियाँ जो है वो आ करके दुर्गा मंदिर के भीतर भोजन करें। ये जो मिट्टी का बर्तन है आप ये बेच रहे हैं लोग, मिट्टी के बर्तन दीपावली में काम होता है। और इधर छोटी छोटी दुकानें हैं, अच्छा मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। आप देख सकते हैं बहुत फेमस मंदिर है। पहले ये जनता बाज़ार है जो ढोल स्थान के नाम से जाना जाता था, काफ़ी जनता बाज़ार से पूरे छपरा जिले में फेमस हो गया। अभी काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं। बाकी मैं आगे लेके चलता हूँ आपको मार्केट में, मुझे भी कुछ सामान खरीदना है तो वहाँ पे भी मार्केट का भी दिखाऊंगा आपको कैसा है मार्केट का नज़ारा। और
तो फ्रेंड एक मैंने ये गद्दा रजाई धोने के लिए ले लिया है, उसका रेट बता रहे 180, लेकिन ये दे रहे हैं 160 में। 160 में दे रहे हैं ना? हाँ, तो 160 में दे रहे हैं, देख सकते हैं आप इसको ऐसे। ये जनता बाजार की दुकान है ना? और आपका नाम? संतोष कुमार जी हैं, इनके यहाँ से मैं ले रहा हूँ। ये रुई है और ये रजाई का कपड़ा है, इसको भरवाने के लिए मैं ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।